तो स्वागत है आपका नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। और आज की हमारी यात्रा होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी जो नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक जाती है। और हम यात्रा करेंगे नई दिल्ली से सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज तक। इस ट्रेन की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। प्लेटफॉर्म नंबर 16 ट्रेन नंबर 12444 हमें जाना है। 16 नंबर पर अपनी गाड़ी आएगी डिब्रूगढ़ राजधानी। और इस चैनल पर राजधानी की पहली यात्रा होने वाली है, तो आप लोग वीडियो देखिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है इस यात्रा से संबंधित। मुझे ऐसा लगता है यात्रा के दौरान जितनी भी मैंने यात्रा करी है प्रयागराज के लिए, नई दिल्ली से अगर आप कोई भी ट्रेन की यात्रा करते हैं प्रयागराज के लिए, तो वो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 और 16 से ही ज़्यादातर गाड़ियाँ छूटती हैं। और यहाँ पर डोनर बर्गर, हल्दीराम, ये सारी चीज़ें, तो अगर आप खाना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये लोकोमोटिव एक आ रहा है यहाँ पर, हालांकि ट्रेन छूटने में अभी टाइम है। तब तक आप कुछ विजुअल दिखाता हूँ, कुछ शॉर्ट्स वगैरह कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। 16628 ये डीजल इंजन है, अभी ये जा रहा है। किसी ट्रेन वगैरह को कुछ पुल वगैरह करना होगा उसके लिए। ये सारे सामान रेडी है, बस ट्रेन आते ही लोडिंग शुरू हो जाएगी। अभी किस ट्रेन में लोड करेंगे वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी ट्रेन को आने में टाइम है। अभी लगभग 3 बज रहे हैं और मेरी ट्रेन है 4:20। टोला बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पर है, आप ये सब सकते हैं। वहाँ पे रोड वगैरह है, ये देखो यहाँ पर पानी भी टपक रहा ऊपर से। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16 की हालत, पूरा पानी टपक रहा है यहाँ पर, देख रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर भी खड़े होने के लिए आपको छाता लेकर आना पड़ेगा, ताकि पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बोतल वगैरह भर सकते हैं। सारे डब्बे और सब कुछ रेडी हैं ट्रेन में लादने के लिए। अच्छा, रिपेयर का भी काम चल रहा है, कहीं ना कहीं रिपेयर का भी काम चालू है, आगे देख सकते हैं आप। पर आप देख सकते हैं जो छोटी छोटी LED लगी है वहाँ पर ट्रेन नंबर लिखा हुआ है 12424 करके, ये ट्रेन नंबर है। और यहाँ पर सबके कोच के नंबर भी लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ A4, तो मेरा जो कोच है वो है B4 में। चलते हैं अपनी कोच की तरफ। अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने के लिए आप लोगों को इतनी मशक्कत करने की जरूरत नहीं है जितने हमने, क्योंकि यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गेट है, तो यहाँ से आप आएंगे, यहाँ पर चेकिंग वगैरह कराते हुए सिंपली आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ जाएंगे। तो हमें नहीं पता था, हम उधर फ्लाईओवर होते हुए पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1, फिर ऐसे, क्योंकि हमें ट्रेन का भी पता करना था तो हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी जाना पड़ा। और अभी फ़िलहाल जो कंफर्म हो गया तो मैं आपको बता दिया, यहाँ आप आ सकते हैं। और यहाँ पर डिग्लेक्स की कई सारी सुविधाएँ भी हैं, यहाँ पर आप खाने पीने के लिए फूड कोर्ट भी हैं छोटे छोटे, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और डिग्लेक्स शौचालय भी है सामने, और डिग्लेक्स शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं। अपने शौकीन है तो आप यहाँ से बुक्स वगैरह ले सकते हैं, ताकि यात्रा आपकी बड़ी आसानी से कट जाए। ये अपना कोच, यहाँ पर अपना कोच आएगा B4, तो चलिए यहीं का वेट करते हैं। नई दिल्ली गाज़ियाबाद जंक्शन, अच्छा लोकल ट्रेन है जो रेगुलर यहाँ पर चलती है नई दिल्ली से गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद से नई दिल्ली के लिए कई लोकल ट्रेनें चलती हैं, तो गाज़ियाबाद में रहने वाले कई सारे लोग जो रेगुलर यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, और इनफैक्ट गाज़ियाबाद से नई दिल्ली आते हैं जॉब करने, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ने भी यहाँ पर आते हैं गाज़ियाबाद से, क्योंकि अब रेगुलर ट्रेनें चल गई हैं तो फिर सुविधा हो जाती है, आराम से आदमी घर से डेली ट्रैवल कर सकता है। अभी देख सकते हैं ट्रेन अंदर से ज़्यादातर खाली रहती है, तो गाज़ियाबाद अगर आप जाना चाहते हैं तो ऐसी लोकल ट्रेन का फ़ायदा उठा सकते हैं और लोकल ट्रेन से जा सकते हैं। इनका जो है किराया भी बहुत कम होता है बाकी ट्रेनों की अपेक्षा, तो आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये सबको कटोरा दे रहे ताकि ये पैसा मांगे लोगों से, ये देखो ऐसे बढ़ा पड़ते हैं, देख रहे हो। प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सूखा है, सूखा मतलब गीला तो है लेकिन पानी भरा नहीं हुआ है, और उस साइड पूरा पानी भरा हुआ है। ट्रेन हमारी आ चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर हमारी ट्रेन लग रही है।
सामान, ब्रेक, हम जनरेटर, कार का कंपार्टमेंट बेसिकली, और इसके पीछे लगा हुआ है मुझे लगता है शायद ये थर्ड एसी होगा, ये है B1 है, तो B1 को जो थर्ड एसी करते हैं, B1 वो नहीं है, वो है आई थिंक BE1 इकोनॉमिक वाला होगा वो, और ये है B1 राजधानी एक्सप्रेस वातनपुर 3 टीयर, B1 है न्यू दिल्ली टू डिब्रूगढ़, और B2 फिर B3 ऐसे B4 करके मेरा वाला कंपार्टमेंट आएगा, और अंदर चल के दिखाते हैं आपको राजधानी में क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं, और ये अंदर जो आपको फूड वगैरह सप्लाई करते हैं, वाटर वगैरह सप्लाई करते हैं, उसके लिए आप रखे गए हैं, एसी वगैरह भी शायद ये कंट्रोल करते हैं, अंदर चल के आपको दिखाते हैं, पहले प्लेटफॉर्म पे लगने देते हैं ट्रेन को। ये अपना वाला डब्बा B4, इसी से अपने को यात्रा करनी है आज। ये दिए गए एकदम सही जगह पे लगेगा, जहाँ पर इसका ऊपर LED जो छोटी लगी है, जहाँ पर इसका नाम दिया गया वहीं पे ये ठीक उसी जगह पर ये लगेगा। अभी B5 की सीरीज चल रही है, यहाँ पर B5 लगेगा, पर इसके आगे वाले में B4 लगेगा। आगे अपना कोच B4 और सारे लोग बैठना शुरू कर चुके हैं। चलो हम भी अंदर चलते हैं। ये भाई साहब, ये राजधानी का हाल है, इसमें भी सामान यहाँ पर लाद रखा है। चलो अंदर चलते हैं, फिर आपको आगे बाहर के दिखाते हैं। तो ये अपना कोच 47, अभी इन्होंने सिंगल कर रखा है इसको, चलो डबल करते हैं, सोने का जैसा बनाते हैं इसको। यहाँ का वॉशरूम, ये सिंक लगा हुआ है, हाथ वगैरह धोने के लिए हैंड वॉश है, यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली थर्ड एसी जैसा यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो बाकी के ट्रेनों में थर्ड एसी में रहता है। यहाँ पर आपका ट्रिमर वगैरह, शेव वगैरह चलाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर ये जैसे जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए पैसे दिए गए हैं, और ऐसा वाली सीट है, आपको दूसरी वाली सीट मिलेगी इंग्लिश वाली, वो दूसरे साइड मिलेगी। अगर आपको लोटा मिलेगा विद चैन, जग भी बोल सकते हो, वाटर गन मिलेगी, कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ऐसे दिए हैं, इनको आपको फॉलो करना। इधर बायो टॉयलेट है तो फिर ये ध्यान रखना, ये फ्लैश के लिए आपको ये बटन मिल जाएगी, यहाँ भी दृष्टिबाधित जो लोग हैं इसको टच करके पढ़ पाएंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। तो बस सिंपल था, यहाँ पर है वॉशरूम, और ये एग्जॉस्ट है, ये भी एग्जॉस्ट के लिए लगा हुआ है, विंडो छोटी सी, और यहाँ भी एग्जॉस्ट आपका चल रहा है, और एक लाइट। जो पहले वॉशरूम में बैठ के वीडियो सिगरेट सुलगाया चल करते थे, उनके लिए देखो इंस्ट्रक्शन आ गया है, यहाँ पर अपने समय ये लगा हुआ है, ये है सेंसर, जो जैसे भी स्मोक होगा वो सेंसर डिटेक्ट कर देगा, तो वीडियो और सिगरेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पे कंट्रोल दिए गए हैं इस कोच से रिलेटेड, एसी और लाइट वगैरह के कंट्रोल होंगे, सॉरी क्वान्टी जी आ रही है, सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, जैसा कि थर्ड एसी या एसी कोच में, हर कोच में लगभग होता है। ये बेसिकली वो चद्दर और कंबल यहाँ पे रखे गए जो यात्रा के दौरान आपको मिलते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे सीट पे रख दिया है। चीज़ ये देखिए मुझे, ये है ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्शन, तो ये अलार्म वगैरह कुछ है, जो स्मोक होगा या फिर हीट होगी तो ये कुछ अलार्म वगैरह देगा। ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ये एक डस्टबिन बना हुआ है, लटका हुआ है थोड़ा सा, और ये वॉश बेसिन सिंक, इसके नीचे भी एक डस्टबिन है, और यहाँ पे नल की टूटी, और ये मिरर लगा हुआ है, और इधर भी सामने, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं जो है, जिससे ट्रेन में सामान रखा जाता है, ये हर प्लेटफॉर्म और हर रेलवे स्टेशन पर आपको ये देखने को मिल जाता है। लकड़ी का है, बहुत पुराना वर्जन है, अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ, ऐसे ही चल रहा है। प्लेटफॉर्म देखिए, पूरा प्लेटफॉर्म जो है आपको खाली खाली नज़र आ रहा है, 2-4 लोग ऐसे किधर बैठे हैं, नहीं तो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म आपको वैसा नहीं दिखेगा जैसा जब आप रात में ट्रैवल करते हैं तो एकदम खचा का जहरा होता है, वैसा नहीं है। दिन में ट्रैवल करने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, मेरे से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको दिन में ट्रैवल करना शायद कम ही पसंद होता है।
अब सामान लेके धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, तो अभी ट्रेन को चलने में टाइम है, तब तक लोग आ रहे हैं। कोच अटेंडर भी है इसमें, आप देख पा रहे हैं उनका ड्रेस अलग है, जो ब्लू कलर के ड्रेस में आ रहे हैं भैया वो कोच अटेंडर है, जो आपको खाने पीने की चीज़ें देंगे और आपको एसी वगैरह अगर आप चाहे तो भी कंट्रोल वगैरह ये करते हैं, शायद उनसे बात हुई मेरी। ना कोच अटेंडर का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके एसी से रिलेटेड या कोई भी और इशू है तो आप इनको फ़ोन करके बात कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं नाम नहीं दिख रहा है, मोबाइल नंबर भी दिख रहा है बहुत मशक्क़त के साथ में। कोच के स्टार्टिंग में ऐसे गेट के साइड में ऐसे दो अलमीरा बनाए गए हैं, तो यहाँ पर सामान वगैरह रखे जाते हैं, जो कंबल चद्दर ये सारी चीज़ें मिलती हैं यात्री को। तो एक इधर भी अलमीरा है और एक इधर भी अलमीरा है, दोनों साइड अलमीरा बनाई गई है, लेकिन इन्होंने सारा सामान यहाँ पर रख रखा है। अभी मैंने बात किया तो बोल रहे जल्दी जल्दी में रख दिया गया है। अब जैसे कोई बड़ा सामान लेकर अगर यात्री यहाँ पर आता तो उसको आने में कितनी प्रॉब्लम होगी आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन चलो यहाँ पर रख दिया इन्होंने। तो आज के हमारे को पैसेंजर ये भाई साहब होने वाले हैं और हर सीट पे एक एक लोग हैं, ऐसा नहीं है जैसे रिजर्वेशन कोचेस में होता है कि एक पे दो तीन लोग बैठ जाते हैं, एडजस्ट कर लेना मैनेज कर लेना, वैसा इस ट्रेन में नहीं है। राबड़ी कहना राबड़ी सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो पानी की बोतल मिलने वाली वो फ्री मिलेगी और मिलेगी आपको रेल नील। तो आप देख रहे हैं पानी का स्टॉक यहाँ पर रखा जा रहा है और गेट पर भी सामान रखा है, भाई साहब बड़ा सा एक सामान लेकर कोई आ गया। तो 3 मिनट देरी से हमारी ट्रेन छूट चुकी है, अब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से नई दिल्ली के मेल कोल्लू का यहाँ पर देख रहे हैं बैठ लगा हुआ है। 3 मिनट देरी से और उम्मीद है कि आगे रास्ते में ये जो लेट है इसको कवर कर लेगी। राजधानी से हम यात्रा कर रहे हैं आज, डिब्रूगढ़ राजधानी, तो नई दिल्ली कानपुर और फिर हमारा आखिरी स्टॉप जो है प्रयागराज तक है। वैसे तो ये 3 दिन की जर्नी होने वाली है क्योंकि डिब्रूगढ़ तक जाती है, लेकिन हमारी जो जर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज तक होगी। तो चलिए सफ़र के दौरान कुछ चीज़ों को शेयर किया जाएगा और अगर कुछ अतरंगी चीज़ें होती है तो उनको भी आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पर ये सामान रखे गए हैं कुछ, फिर से स्लो हो गए। वैसे बारिश बंद हो चुकी है, मौसम एकदम साफ हो चुका है। हाँ बस अंदर आ रहे हैं, बस 2 मिनट। हाँ ठीक है, बैल कुलू प्लेटफॉर्म नंबर 16 को छोड़ रहे हैं हम। नीचे देखिए जो गिट्टियाँ एकदम चमक रही हैं रेड कलर की, क्योंकि बारिश हुई आज बहुत घनघोर और कल भी बारिश होनी है ऐसा गूगल बता रहा है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आप यहाँ पे मौसम कैसा है। चलो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, अब चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठते हैं और अब आपको जो भी मज़ा मिलेगा ट्रेन के अंदर से मिलने वाला है। बाहर का मौसम आप देख सकते हैं पूरा फॉगी हो रखा है, फॉग जैसा हो रखा है, क्योंकि अभी तक सुबह से धूप नहीं निकली यहाँ पर और ऐसे ही बिल्कुल बारिश जैसा मौसम है। उम्मीद है कि रात को भी बढ़िया बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाएगा। गेट बंद कर देते हैं, गेट बंद और इसको यहाँ से ऐसे लॉक कर दो ऐसे। चलिए अब हमारी ट्रेन चल चुकी है तो थोड़ा सा अपने ट्रेन के बारे में हम जान लेते हैं। इस ट्रेन के टिकट के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट एसी का जो टिकट है वह है 7,475 रुपये, सेकेंड एसी का जो टिकट है वो है 4,525 रुपये, थर्ड एसी का जो टिकट है वो है 3,405 रुपये
वहीं पर तत्काल पर ये सारे रेट जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। और अगर आप चाइल्ड के लिए लेना चाहते हैं तो चाइल्ड का आपको जो टिकट पड़ेगा वो पड़ेगा 2695 रुपये सेकेंड एसी के लिए, 2140 रुपये थर्ड एसी के लिए। ये ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस है जो मुंबई के लिए यहाँ से चलती है। एक समय था जब प्रयागराज के लिए भी नई दिल्ली से दुरंतो एक्सप्रेस चलाई जाती थी, लेकिन उसी को अपडेट करके जो ट्रेन चलाई गई है वो है हमसफर एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही VVIP ट्रेन है, जिसमें CCTV से लेके अत्याधुनिक टेक्निक से लैस है वो ट्रेन। तो प्रयागराज के लिए सबसे VIP ट्रेन उसे कहा जाता है। और आप जैसे मुंबई वगैरह में लोकल ट्रेन देख सकते हैं, वो ये ट्रेन है जो मुंबई वगैरह में लोकल ट्रेन चलती है, जिसे नॉर्दर्न रेलवे ऑपरेट करता है। तो चलिए राजधानी के बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। ये ट्रेन डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी, गाड़ी संख्या 12424, न्यू दिल्ली NDLS टू डिब्रूगढ़ टाउन DBRT तक जाती है। यहाँ तक जाने के लिए इसको 3 दिन का सफ़र करना पड़ता है, और इस 3 दिन के सफ़र के दौरान टोटल 2433 किलोमीटर की यात्रा को ये तय करती है। इस दौरान नई दिल्ली, कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद, प्रयागराज जंक्शन, DP उपाध्याय जंक्शन, दानापुर, पाटलिपुत्र, बरौनी जंक्शन, नगोचिया, कटिहार, किशनगंज, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू कोच बेहर, कोखराजार, न्यू बोंगई गांव, गुवाहाटी, चपरमुख जंक्शन, लुमडिंग जंक्शन, दीमापुर, मरियानी जंक्शन, न्यू तिनसुकिया जंक्शन, उसके बाद लास्ट में जो आता है वो है डिब्रूगढ़ टाउन। नई दिल्ली से ये ट्रेन डिपार्चर होती है 16:10 पर, और डिब्रूगढ़ टाउन पहुंचती है सुबह 7 बजे तीसरे दिन। और इस दौरान जो स्टॉपेज है वहाँ पर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के स्टॉपेज हैं। और जो सबसे बड़ा स्टॉपेज जो है गुवाहाटी में, वो है 20 मिनट का स्टॉपेज। न्यू तिनसुकिया जंक्शन में 10 मिनट का स्टॉपेज है। न्यू जलपाईगुड़ी में 10 मिनट का स्टॉपेज है। कटिहार जंक्शन पर 25 मिनट का स्टॉपेज है। पाटलिपुत्र पर 10 मिनट का स्टॉपेज है। और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर 10 मिनट का स्टॉपेज है। कानपुर में 5 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी हर जगह 2-2 मिनट के स्टॉपेज के साथ ये ट्रेन चलाई जाती है। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर राजधानी में या यूं कहे सभी राजधानियों में ब्रेकफास्ट, स्नैक्स और आपके लंच की और डिनर की भी व्यवस्था की जाती है। वो ऑप्शनल होता है। अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं, वहाँ पर ऑप्शन होता है कि अगर आप विद फूड करना चाहते हैं, विदाउट फूड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मार्क कर पाएंगे। वेज फूड चाहते हैं, नॉन वेज फूड चाहते हैं, दोनों आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इस ट्रेन में हमें क्या क्या मिला वो मैं आपको इस वीडियो के दौरान दिखाऊंगा। ये पानी की बोतल्स हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं, जो सारे यात्रियों को फ्री में एक एक बोतल दी जाएगी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें स्नैक्स मिला। स्नैक्स में क्या कुछ मिला वो आप वीडियो में देख पाएंगे। बाद में हमें जो है वो डिनर मिला रात को 8:30 के आसपास। सबके लिए बेडशीट, कंबल और चादर भी समानता जैसे बाकी ट्रेनों में मिलता है एसी में, यहाँ भी आपको फ्री मिलने वाला है। पानी की बोतल आपको फ्री में मिलेगी, वो भी रेल नीर की। हर एक पैसेंजर का नाम जो यहाँ पर अटेंडर है उनके पास होगा, और ये मार्क करते हुए हर एक पैसेंजर को पानी की बोतल फ्री में देते हैं। खाना क्या रहेगा सर? खाना क्या रहेगा सर? यह है रेल नीर की 15 रुपये वाली पानी की वो बोतल जो आपको फ्री में मिलने वाली है। इसमें यात्रा करने वाले सारे यात्रियों को फ्री में ही मिलती है। और ये बेडशीट, कंबल और ये चद्दर है, कंबल साइड में रखा हुआ है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फेस टॉवल भी आपके इसी पैकेट के साथ में मिलेगा, जो कि बाकी की ट्रेनों में जब तक आप मांगते नहीं तब तक आपको वो देते नहीं है। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव रहा है बाकी की ट्रेनों के साथ। इस ट्रेन की अभी जो स्पीड है वो 35-38 के अराउंड है। मैक्स स्पीड अभी तक जो गई है वह 59। दिल्ली में हर जगह पानी पानी हुआ है, आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कैसा है। ये शाम के 4:30 के आसपास का सीन आप देख पा रहे हैं। इतनी घनघोर बारिश हो रही है हर जगह दिल्ली में। आज भी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो भी दिल्ली में हर जगह, कई जगह तो वैसे जहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन गई है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके यहाँ पर बारिश का कैसा मौसम है। अब ट्रेन थोड़ा सा गतिमान हो रही है,
क्योंकि इसकी मैक्स स्पीड जो अभी गई थी वो 86 तक जा चुकी है और अभी 84-85 नियर अबाउट चल रही है, और जो एवरेज स्पीड है वो 56 के आसपास है। एवरेज मतलब कहीं पर स्लो हो जाती है, कहीं हाई हो जाती है, तो उसको एवरेज स्पीड में लाया जाता है। इस पुल को पास से देख के तो ऐसा लगता है कि इसमें जो होल्स बने हुए इतने बड़े होल हैं कि इसमें बड़ी बड़ी शिप चली जाएंगी। ये काफ़ी पुराना पुल लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है शायद ये ब्रिटिश टाइम का ये पुल रहा होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर आपको ये पता हो कि ये पुल किस समय का बना हुआ है। बाकी ये पुल बना बड़ा बेहतरीन है और बहुत ही मजबूती के साथ है, देखने में कुछ पुराना स्ट्रक्चर लग रहा है, तो मुझे लगा शायद ये ब्रिटिश काल का ये पुल रहा होगा। अब हमारी ट्रेन क्रॉस करने वाली है, स्किप करने वाली है गाज़ियाबाद जंक्शन को, क्योंकि ये ट्रेन अब सीधे यहाँ से छूटने के बाद रुकेगी सीधे कानपुर सेंट्रल में। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं गाज़ियाबाद जंक्शन को। ज़्यादातर ट्रेनें जो नई दिल्ली से प्रयागराज की तरफ को जाती हैं वो गाज़ियाबाद में रुक कर जाती हैं। ज़्यादातर ट्रेनों में प्रयागराज, शिवगंगा जैसी कुछ ट्रेनें हैं जो गाज़ियाबाद रुक कर जाती हैं, बट ये ट्रेन स्किप करके जा रही है और इसका स्टॉप जो होगा वो कानपुर में होगा 5 मिनट के लिए। उसके बाद जो हमारा स्टॉप आने वाला है प्रयागराज, वो आएगा 11:30-11 बजे के आसपास। और जो अब ट्रेन की स्पीड है वो है 56-58 की नियर अबाउट, अप्रॉक्सीमेट आप 60 लगा लो। और जो एवरेज स्पीड अभी निकल के आ रही है वो है 35 की स्पीड, इसकी जो एवरेज है। मैक्स स्पीड अभी वही बनी हुई है जो 86 चली गई है। अच्छा, एसी के कोचेस में एक प्रॉब्लम होती है कि बाहर के विजुअल्स का मज़ा नहीं आता। जैसा आप देख पा रहे हैं बाहर जो क्रॉस कर रही है मालगाड़ी को, वो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर बिल्कुल शांति का माहौल होता है, सारे इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग होते हैं जो किसी एक दूसरे से बात नहीं करते, सब आराम से अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन जो चालू की ट्रेन होते हैं, जो जनरल कोचेज होते हैं, उसमें आपको बड़ा एंटरटेनमेंट मिलता है। तो मैं सोचा कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ किया जाए और आपके लिए क्यों ना एक सवाल इसमें छोड़ा जाए। मैं एक मूवी आपको दिखा रहा हूँ जो मैंने अपने टैब पर चला रखा है, आपको इस मूवी का नाम बताना है। अगर आप अभी देखकर समझ नहीं पाए कौन सी मूवी है तो मैं आगे भी इसके कुछ क्लिप ऐड कर दूंगा। अगर आप हॉलीवुड के शौकीन हैं, हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आप इस फिल्म को ज़रूर देखा होगा। ये आज भी ये फिल्म कई सारे लोगों की फेवरेट फिल्में होती हैं। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रैगन है जो आग उगलता है, और अब तक आप ज़रूर समझ गए होंगे अगर आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हैं, हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं। ये ड्रैगन बहुत खतरनाक होता है और इसको हीरो मारता है अपने तीर से। तो अब तक आप अगर नहीं समझ पाए तो मुझे लगता है कि आप हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन नहीं हैं। और अगर आप समझ गए कि ये फिल्म कौन सी, तो उस फिल्म का नाम फटाफट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा और सही कमेंट करेगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगा। अब ट्रेन अपने स्पीड पर आने लगी है और मैक्स स्पीड जो इस ट्रेन की अभी तक जा चुकी है वो है 131 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गई है। लेकिन अभी थोड़ा सा स्लो हो गई है, 47-46 के नियर अबाउट चल रही है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर में एवरेज स्पीड जो है 58 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रही है और 31 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों ने कर लिया है। पूरे देश में मेट्रो का जाल बिछ रहा है, दिल्ली NCR में तो कोने कोने मेट्रो पहुंच रही है, और कानपुर, आगरा, लखनऊ, हर जगह मेट्रो पहुंच गई है। तो जो सामने आप ब्रिज देख पा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मेट्रो का है? और अगर ये मेट्रो ब्रिज है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि कौन सी लोकेशन है। और यहाँ पर कई सारी गाड़ियों की क्रॉसिंग होंगी, लेकिन आपको मुझे पता है क्रॉसिंग में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि विजुअल का जो मज़ा है वो बाहर से आता है, जब उसकी ट्रेन की आप आवाज़ सुनते हैं तब आता है। अभी स्पीड में हो रही है ट्रेन अपने 87, 86, 88, और अभी भी टॉप स्पीड जो है वो 131 की स्पीड से है। अगर आप स्मार्ट हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टेशन पर बोर्ड लगे हुए हैं और आप बता सकते हैं कि जगह कौन सी है। बस थोड़ा सा आपको स्मार्ट दिमाग चलाना पड़ेगा। और अब हमारी ट्रेन की जो स्पीड हो चुकी है वो है 100 के ऊपर की, हमारी ट्रेन जा चुकी है 103, 102, 104 की स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। लेकिन टॉप स्पीड जो है वो अभी भी 131 ही है, एवरेज स्पीड जो है 59 है, और डिस्टेंस जो है वो 34 किलोमीटर जब से मैंने स्पीडोमीटर ऑन किया है। यहाँ देख कर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इधर बारिश हुई है। दिल्ली में तो बारिश का सैलाब उमड़ पड़ा है, लेकिन इधर बिल्कुल सूखी सूखी सी पटरियाँ लग रही हैं। तो ये देख के मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इधर का मौसम अभी शांत है, इंद्रदेव भी इधर के शांत हैं,
आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और ये बताना है कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा था। और हम पहुँच रहे हैं हाथरस के आसपास हैं, हाथरस में दो स्टेशन हैं। 43 41 59 59। तो हम सबका यहाँ पर स्नैक्स आ गया है, नमकीन सैंडविच और मीठे की एक पैकेट है, और इसके साथ साथ आपको एक चाय भी मिल जाएगी, डिप वाली चाय भी आप बना सकते हैं जिसमें दूध और टी बैग वगैरह मिलेगा, गर्म पानी आपको बाद में ला के देंगे। तो आप बेसिकली ये बेसिक सा स्नैक्स है जो आप ले सकते हैं, काफ़ी लाइट वेट है और अच्छा स्नैक्स है। यहाँ पर सब लोग अपने स्नैक्स का आनंद उठा रहे हैं, अपना मज़ा ले रहे हैं, और मैंने तो इतनी देर में निपटा भी दिया है। और अब मेरी चाय बनाने की बारी है, कप आ गया है, अब इसमें दूध डालेंगे, डिप वाली चाय डालेंगे और फिर बनाएंगे एक चाय। हालांकि ये चाय मुझे पसंद कम ही है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। और हमारी ट्रेन की जो स्पीड हो चुकी है वो हो चुकी है 128-129 किलोमीटर की स्पीड। अभी जो टॉप स्पीड है वो है 134 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, एवरेज स्पीड जो है वो है 73 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 76 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस। भाई साहब, सुरती तंबाकू और गुटखा का नशा ऐसा होता है ना कि अगर आप जहाँ भी बैठ जाएंगे ना, तब भी अगर आपको मौका मिल गया, कोना मिल गया है, तो आप सुरती रगड़ना शुरू कर देंगे। अंकल जी को देखिए हमारे, थोड़ा इसको मैं पास से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे अंकल जी हैं, कोने में बैठ के सुरती रगड़ रहे हैं। अब क्या करें, सुरती के बगैर प्रेशर भी तो नहीं बनता है। और यहाँ पर सब लोग स्नैक्स करके अपनी अपनी प्लेटें नीचे रख देते हैं, और ये जो यहाँ पर क्लीनिंग वाले हैं, इनको क्लीनिंग वाले भी बोल सकते हो, अटेंडर भी बोल सकते हो, ये सबकी प्लेटें उठाते हैं और लेके जाते हैं यहाँ से। तो आप भी कभी अगर राजधानी में ट्रेवल कर रहे हैं तो प्लेटों को ऊपर सीट के आसपास कहीं ना रखें, यहीं पर आप अपनी प्लेटें रख दें नीचे, ये आएंगे और लेके चले जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब एक थे हमारे सामने, वो ऊपर रख दिया और वो परेशान हो गए बाद में देने के लिए, तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उनको दोबारा वो लेने आया। और अब हमारी ट्रेन जो है कई प्लेटफॉर्म और कई रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए निकल रही है, और मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ दोबारा हमारी ट्रेन की स्पीड क्या हो चुकी है। चलिए स्पीडोमीटर खोलते हैं। अब जो मैक्स स्पीड देख रहे हैं 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा चुकी हमारी ट्रेन, 86 की जो एवरेज स्पीड है और 141 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं, और अभी की जो स्पीड है 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल रही है। इसमें बैठने पर थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस हो रहा है एज़ कम्पेयर टू हमसफ़र एक्सप्रेस। चलिए अब अपना बिस्तर लगाते हैं और आराम फरमाते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा प्रयास किया जाएगा सोने का, क्योंकि हम पहुंचेंगे 11:15 के आसपास। हालांकि सोएंगे नहीं, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, अभी दिन हुआ है और बाहर भी व्यू कुछ अच्छा सा दिख रहा है। इधर तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई है, तो इधर थोड़ा सा विजुअल आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, और चलते अपने मूवी देखते हैं फिर से अपने टैब पर। अब आप लोग अभी तक कमेंट करके ये नहीं बता पाए कि मैं कौन सी मूवी देख रहा हूँ, सब लोग आराम की मुद्रा में आ चुके हैं, तो चलिए हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ये जैसे ही मैं आराम की मुद्रा में गया, ये भाई साहब आ गए टीटी महोदय टिकट चेक करने के लिए, तो टिकट तो मैंने चेक करा दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सरकार से कि जैसे हम सफ़र एक्सप्रेस में CCTV लगे हुए हैं बोगी में अंदर, तो ये एक VVIP ट्रेन है, तो इसमें भी अगर पॉसिबल हो तो CCTV कैमरे लगवा दिए जाएँ, और सिर्फ बोगी में नहीं, खासकर वॉशरूम के साइड में ज़रूर लगाए जाएँ, क्योंकि वॉशरूम के साइड में कुछ ऐसे खेल हो जाते हैं जो कई लोगों को पता नहीं चल पाता। कई लोग जब बैठकर चढ़ जाते हैं तो उनके साथ क्या हो जाता है, वो वॉशरूम के साइड में ले जाके अपना बातचीत हो जाती है। तो अगर वहाँ पर CCTV रहेगा तो लोगों की नज़र में रहेगा, सरकार की भी नज़र में रहेगा। अच्छा, बोगी में खेल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि सबको पता है कि कोई ना कोई अगर वीडियो बना लिया, किसी ने फ़ोटो खींच लिया, तो फिर बात नौकरी तक आ जाती है। तो CCTV लग जाएगा अगर, तो ज़्यादा बेहतर होगा, और सुरक्षा के लिहाज से भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगी चीज़ें, जैसे कि हम सफ़र और कई ट्रेनों में CCTV लग रही हैं, फिर तो ये राजधानी है। अभी हम स्किप कर रहे हैं टुंडला जंक्शन को, और ये क्रॉसिंग अगर मैं आपको बाहर से दिखाता तो समझ लो मज़ा आ जाता। अब अंदर से आपको साउंड नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट कम आएगा इस वाले विजुअल में। आगे से मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादातर जो ट्रैवल मैं करूँ वो करूँ मैं जनरल कोचेज में, ताकि आपको और ज़्यादा आनंद आए।
अभी हमारी ट्रेन की स्पीड एकदम डाउन हो चुकी है, लेकिन आप एवरेज स्पीड दे सकते हैं 94 किलोमीटर और मैक्स स्पीड 182 किलोमीटर, 237 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। मे भी शायद किसी ट्रेन की क्रॉसिंग है इसलिए हमारी ट्रेन की स्पीड जो है थोड़ा सा डाउन हो गई है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैक्स स्पीड 182 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी ट्रेन चल रही है। यहाँ का वॉशरूम मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इतनी ही दूरी चली है और वॉशरूम का हाल देख सकते हैं आप, वॉशरूम चौक हो गया, जाम हो गया है और बाहर आप देखें यहाँ पर सारी डस्टबिन बाहर रखी हुई, कचरा कचरा हो रखा है। आप सोचिए 3 दिन का सफ़र इस ट्रेन को करना है, इस हाल में कैसे हो पाएगा, करने वाले करते हैं। अभी शाम हो गई है और धीरे धीरे रात हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ मुझे जो लगा बहुत बुरी चीज़ लगी कि साफ सफाई के मामले में जैसे राजधानी जैसी ट्रेनों का अगर ये हाल है तो गलत है। 124 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी ट्रेन चल चुकी है, एवरेज स्पीड 98 किलोमीटर, 273 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, लेकिन मैक्स स्पीड जो है 182। अच्छा, राजधानी ट्रेन होने के बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर चढ़ने के लिए कैसे बना हुआ है, जैसे स्लीपर कोचेस में होता है, अगर आपको टॉप फ्लोर पे जाना है तो आपको ऐसे ही चढ़ के जाना पड़ेगा जैसे आप स्लीपर में जाते हैं, थोड़ा इसको अपडेट करना चाहिए था। अब नींद मुझे आ रही है, सोने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मन ही मन ये भी लग रहा है कि प्रयागराज बस आने वाला है और अगर हमने प्रयागराज को स्किप कर दिया तो फिर अगला स्टॉप जो आएगा वो आएगा दीनदयाल उपाध्याय और वहाँ पहुँचेंगे लगभग 1 बजे के आसपास। तो चलो नींद को दबाना पड़ेगा, मन को मार के जागना पड़ेगा क्योंकि प्रयागराज में उतरना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीआरपी के जवान भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, जो लोगों के सामान की सुरक्षा के लिए जो है दिन रात मेहनत करते हैं, रात भर जगते रहते हैं। हालांकि कई यात्रियों को इनसे शिकायत भी रहती है, जैसा कि मेरे कोच में एक भाई साहब थे उनको कुछ ज़्यादा इनसे शिकायत हो रही थी, तो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, वैसे शिकायत की कोई बात नहीं, कोई भी हर इंसान अपनी ड्यूटी कर रहा है। आप देख सकते हैं जिस समय हम और आप बड़े आराम से एसी कोच में सो रहे होते हैं उस समय अपनी बंदूकें लेकर हमारे सुरक्षा के लिए घूम रहे होते हैं ऐसे कोचेज़ में। तो सैल्यूट है ऐसे लोगों को, सलाम है ऐसे लोगों को जो दिन रात जग कर हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए अपनी नींद ये हराम कर देते हैं। और अब रात हो चुकी है और धीरे धीरे अब हम कानपुर की ओर बढ़ रहे हैं और कानपुर जो है हमारा आने वाला है, कानपुर में बस 5 मिनट का स्टॉप लेगी हमारी ट्रेन और फिर उसके बाद हम निकलेंगे प्रयागराज के लिए। और हमारी ट्रेन की स्पीड वही बरकरार है 124 किलोमीटर प्रति घंटा, एवरेज स्पीड थोड़ा सा बढ़ गई है 99 के आसपास, मैक्स स्पीड का जो रिकॉर्ड है अभी भी 182 के नाम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो है लगभग 350 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। अब देखिए डिब्बे के अंदर क्या हलचल चल रही है। 47। ये हमारा रात का डिनर आ चुका है जिसमें दही, ये दही की पैकेट है नोवा की, और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास एक पैकेट है इसमें हमें मिल जाती है जो है सब्जी, आलू की सब्जी है, और फिर दूसरे वाले पैकेट में, तीसरे वाले पैकेट में हमें मिलेगी यहाँ पर दाल मिल जाएगी, एक पनीर की सब्जी है ये, और यहाँ पर हमें मिल जाएगी इसमें शायद इसमें राइस होना चाहिए, राइस नहीं होगी तो दाल तो कन्फर्म है कि दाल होगी, इसमें दाल है, यस करेक्ट इसमें दाल है। और उसके बाद चलो लास्ट वाला बॉक्स खोल कर देते हैं, लास्ट वाले में बिल्कुल राइस होगा क्योंकि फुल डाइट इसमें मिलती है, ये फ्राइड राइस है, जीरा राइस इसको आप बोल सकते हैं, और ये है पिकल अचार है इसमें पैकेट में, और ये है रोटियां, 4 रोटी, और ये सबसे छोटा सा मैं आपको पैकेट दिखाता हूँ, ये है नमक का पैकेट, तो आपके स्वाद का पूरा ध्यान दिया गया है इसमें। और उसके साथ साथ नैपकिन भी मिलेगी आपको IRCTC वाली, आप चोरी करके दिखाओ, लोग कंबल तकिया और जो पिलो चोरी कर लेते हैं, अब इसे चोरी करके दिखाओ। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गंगा बैराज जो कानपुर का सबसे फेमस लोकेशन है, कई लोग यहाँ शाम को घूमने आते हैं रात के वक्त और शीशे के अंदर से आपको विजुअल अच्छे नहीं आ रहे, बाकी कानपुर बहुत फेमस जगह है। कानपुर सेंट्रल आ गए हैं, यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है फिर यहाँ से चलेगी ट्रेन। Thank you.
गाड़ी संख्या 1-2-4-2-4 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ टाउन को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ चुकी है। धन्यवाद। अभी 5 मिनट का स्टॉप है और हम आ गए हैं कानपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो 5 मिनट स्टॉप बाद यहाँ से फिर ट्रेन हमारी चलेगी और अभी हो गया 9:07। गाड़ी छूट चुका हमारी यहाँ से 9:11 हुए हैं। तो टोटल 5 मिनट स्टॉप बाद हमारी गाड़ी यहाँ से चल गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर है अभी हम कानपुर के और प्लेटफॉर्म बिल्कुल यहाँ पर खाली जैसा लग रहा है। आप देख रहे हैं रात के 9 बजे है। अगला स्टॉप हमारा होगा प्रयागराज जंक्शन पर और ये इसका दूसरा स्टॉप है। सारे सामान पड़े लगेज में रखे जाएंगे जब कोई ट्रेन आएगी, उसी का होगा जिस ट्रेन का होगा उस पर रखे जाएंगे सारे सामान। ये कानपुर सेंट्रल का बोर्ड। नौ बज चुके हैं और सब अपने अपने सोने की मुद्रा में जाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। मैंने अपना कंबल वंबल लगा लिया है, बढ़िया चादर वगैरह लगा लिया, बेडशीट वगैरह लगा लिया है। तो लगभग सारे लोग अब तैयारी बना ही चुके हैं क्योंकि अब सब सोने वाले हैं। 3 दिन का सफ़र है लोगों का और इस ट्रेन के दौरान रात में भी आप देखो साफ़ सफाई चल रही है। जो लोग खाने के बाद गंदगी का मचा देते हैं तो उनकी साफ़ सफाई भी की जाती है। पूरी ट्रेन में सन्नाटा पसर चुका है लेकिन मुझे लगता है इसमें क्या नाइट लाइट नहीं है क्या? होना तो चाहिए वैसे, बट अभी बिल्कुल पूरा अंधेरा हो चुका है ट्रेन में। नाइट लाइट जल नहीं रही, शायद नहीं होनी चाहिए। नहीं है इसमें नाइट लाइट, एक्चुअली ये सारी ट्रेनों में होती है तो इसमें भी होना तो नॉर्मल सी बात है, बट जल नहीं रही थी तो मुझे लगा शायद नहीं होगी क्योंकि इस ट्रेन में मेरा पहली बार सफ़र हुआ है तो इसलिए मुझे लगा शायद ना हो। तो प्रयागराज पुण्य भूमि तीर्थराज और संस्कारों का शहर प्रयागराज में हम पधार चुके हैं जहाँ पर पूरी दुनिया आके अपना सर झुकाती है। ये वो धरा है, ये वो शहर है, ये वो शहर है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। साधु संतों की नगरी कहा जाता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर है इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी लगता है और ये है प्रयागराज जंक्शन। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बताना है कि आप कहाँ से हैं और अगर आप प्रयागराज से हैं तो प्राउड फील करिए और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखने के साथ साथ प्रयागी लिखना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर कोई नेता जी खड़े हैं और उनके साथ साथ कुछ गार्ड भी है, लगता है कुछ वे VIP लोग हैं तो इनके साथ साथ जो गार्ड हैं वो बड़े ध्यान से मुझे देख रहे हैं। गाड़ी का स्टॉप मात्र 2 मिनट का है तो 2 मिनट के स्टॉप के बाद ये यहाँ से निकल जाएगी और अब जाएगी ये दूसरा स्टॉप जो होगा इसका तीसरा यहाँ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय होगा और ये गाड़ी चल चुकी है। मात्र 2 मिनट से रुकती है यहाँ पे और फिलहाल प्लेटफॉर्म बहुत खाली खाली सा है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और ट्रेन छूट चुकी है अब यहाँ से प्रयागराज जंक्शन से। गाजीपुर सिटी आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाजीपुर सिटी। हम आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगी हमारी गाड़ी और आज की यात्रा यहीं तक। अब ये गाड़ी निकलेगी आगे के लिए डिब्रूगढ़ के लिए। तो अभी ट्रेन लगभग 12 मिनट लेट है, यहाँ पर 11:23 हो चुके हैं अभी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और यात्रा पर किसी और नई ट्रेन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।